हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेटीट्यूड। कैसे ही आप सभी, आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, क्या आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं? सच में आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन एंड सेकेंड पाइल है ग्रे स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी मुझसे आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है तीनों में से किसी एक लिंक के ज़रिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो में भी बीच बीच में लिंक दी जा रही है, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होगा। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन पे ही लाइव सेशन हो रहा है, तो उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पर तुरंत ही फ्री में आंसर मिलेगा। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ही ये लाइव सेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ किए हैं ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, बताइए क्या उनके दुश्मन उनके ऊपर नज़र रखते हैं। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। हाई प्रेस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। एनिमल गार्डन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। सैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। बॉटम ऑफ द डेक, ड्रुइड, होल्ड द स्पेस। यहाँ से देखते हैं, यंग, अ चेंज इन द वाइंड। यहाँ ही आएगा, क्लीन इट अप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाई। ओके, अब क्या आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही आपके लिए आंसर आया है यस, डेफिनेटली आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी एनर्जी आई है जो ये कहती है कि आपके जीवन में कहीं हद तक आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, आपकी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी परिस्थितियाँ कहीं हद तक अच्छी है, कहीं हद तक उनके जीवन में उनको कम ही सही लेकिन मिल ज़रूर रहा है, वो यहाँ है। जिसके चलते आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, उनको बार बार आपके जीवन में किसी भी तरह कुछ भी अच्छा मोमेंट आता है या अच्छा होता है, इसके ऊपर वो ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं आपकी बाजियों को ख़राब करने की कोशिश करते होंगे। ये आपको भी पता है, क्योंकि जब आपके जीवन में खुशियाँ आती है तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, तो आप समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जिन लोगों को अपने दुश्मनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, उनको पता चल जाता है कि यस, हमारे जीवन में खुशियाँ आती है वो किसी को नहीं सहा जाता है, देखा नहीं जाता है, इस वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इस तरीके से आपको पता चल जाता है। अब यहाँ वो इस वजह से भी नज़र रखते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी बहुत कुछ आप पा रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है।
और लोगों का विश्वास भरोसा भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जीत लिया है। लोगों का दिल जीतना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। यहाँ कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है, क्योंकि आप एक बहुत ही इमोशनल वाइज स्ट्रांग पर्सन हो। आपको इमोशनल चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लेना आता है, संभालना आता है। इमोशनल वाइज स्ट्रांग होने की वजह से आपके रिश्ते, लोगों के साथ व्यवहार, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वो यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से संभालते हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ परमानेंट आई है, क्योंकि आप जिस तरीके से, जिस गति में आगे बढ़ रहे हो, वैसे तो किसी को भी लगेगा कि इसके जीवन में अचानक से ये सब कुछ कैसे मिलने लग गया। इस तरीके से होता है, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है। तो यस, यहाँ है कि आपके दुश्मनों के दिलो दिमाग में भी ये बात आती है कि आपको कहीं हद तक अभी सब कुछ मिल कैसे रहा है। आपका मैच्योरिटी का लेवल बहुत बढ़िया है, यहाँ जिम्मेदार भी हो, और यहाँ अभी आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो अपने वर्क के लिए, अपने फैमिली के साथ हर तरीके से ट्रैवलिंग भी हो रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और यहाँ ये भी है कि घूमना फिरना भी हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, प्यार मान सम्मान भी आपको मिल रहा है, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ रही है, स्टेटस वैल्यू भी अच्छा हो रहा है, आप एक पावर में आ रहे हो। आपके जीवन में कहीं हद तक कुछ भी बदलाव आते हैं तो इसको आप अभी संभाल रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। यहाँ 12 और 21 है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी बदलाव आते हैं तो आप तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर देते हो, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हो। इस वजह से यहाँ एनर्जी एक गति में है, स्पीडली है, क्विकली आगे बढ़ रही है, ना कि रुक रही है। और परिस्थितियों में जो छोटे छोटे बदलाव या एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको भी आप संभाल रहे हो, उसके ऊपर भी आपका फोकस है, और आपके एक अच्छे तरीके से ध्यान होने की वजह से आपकी हर तरीके की परिस्थितियाँ भी कहीं हद तक अच्छी हैं। आप ध्यान से कार्ड देखो तो आपके सारे ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, और कहीं हद तक आपके जीवन में किसी भी तरह छोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको दूर करना आपको आता है, वो भी यहाँ नज़र आता है। तो आप इसको दूर भी कर रहे हो, तो आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो अपनी चाल भी खेल रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो, ध्यान हो, आपने शील्ड बनाया हुआ है, अपने चारों ओर एक अच्छी तरीके से कवच बना लिया है, जिसके चलते वो आपके शील्ड को तोड़ नहीं पा रहे हैं। और आसपास के लोग जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके जीवन में कई अच्छे रास्ते खुल भी रहे हैं। और लोगों के सपोर्ट में यहाँ दुश्मन इंटरफेरेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी उसमें वो ज़्यादा कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने लोगों का विश्वास जीत लिया है। लॉयल्टी जो आपने बनाई है, लोग आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से समझते हैं कि आप एक बहुत ही व्यवहारू और बहुत ही वफादार पर्सन हो, जिसके चलते लोग यकीनन आंख बंद करते हुए आपके ऊपर भरोसा करते हैं। यहाँ आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ के ऊपर आपका फोकस है, ध्यान है, वो भी है। तो यस, यहाँ मैंने आगे ही आपको आंसर बता दिया है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इस वजह से भी वो ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, वो यहाँ डेफिनेटली है। और आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है तब तो उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ अभी बिल्कुल भी बनी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मैंने कहा, आपका जो सुरक्षा कवच आपने ली है, जो शील्ड बनाया है आपने अपने लोगों के लिए, जिसकी वजह से वो इंटरफेरेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी वो एक सैड हो रहे हैं कि हम इसके जीवन को आखिर खराब कैसे करें, इस तरीके की सोच आ रही है। यहाँ एक बात है कि आपके दुश्मन आपके बहुत ही नज़दीकी लोग हैं जिनको आपकी ही खुशी मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, वो यहाँ डेफिनेटली है। और
आपकी खुशी को लेकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये है जिस वजह से उनको ध्यान देना ही देना है, नज़र रखनी ही रखनी है। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि एक अभी हाल फिलहाल की एक वक्त की बात की जाए तो आपका वक्त आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आपको सब कुछ आसानी से मिल रहा है और आपके जीवन में हर एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है, वो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, इस वजह से ज़्यादा वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किए है ग्रे स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके दुश्मन उनके ऊपर नज़र रखते हैं। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी, तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। वीडियो के बीच में भी लिंक दिखाई दे रही है, मैं लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू कि आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं। एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड। Peacekeeper, let go of the need to be right. Knight, be brave and honest. Sceptre, transform and unveil your gifts. Snake, sad old skin. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। यहाँ से देखते हैं क्लीन इट अप, टिक टॉक, ट्रूथ बी टोल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है प्लेस्ड। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट एनर्जी है, और एरिज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 80% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी 50% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90% है। जो मैंने कहा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत वार करते हैं। आपको भी शायद ये बात पता है, ये जिस किसी की भी पाइल है वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं और बार बार आपके जीवन में इंटरफेरेंस करते हैं। ये जो आपके जीवन में जो लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो इतना जान लो कि ये जो लोग हैं वो इनको आप अच्छी तरीके से जानते हो। उनके साथ आपकी पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन वक्त के साथ आप दोनों के एक मनमुटाव और अनबनाव होने की वजह से आप दोनों सेपरेशन हो गया, यानी आप दोनों अलग हो गए। तो आप इस इंसान को बहुत भलीभांति अच्छी तरीके से जानते हो, ये जिस किसी के भी पायल है। पहले आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, घर में आना जाना भी होता था, यानी एक परिवार जैसा माहौल था, पारिवारिक रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग थे एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी आप दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ यही है कि आप दोनों का पहले इस जीवन में ही, इस लाइफ में ही आप दोनों का रिश्ता था, आप दोनों की फ्रेंडशिप थी, या किसी भी तरह एक पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं बनने की वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया,
एक दूसरे के साथ बार बार मनमुटाव होने लगे, नोकझोंक होने लगी। इस वजह से आप दोनों ने ही अब सोच लिया कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए। अब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को दूर से ज़रूर नज़र रखते हैं। तो यह हमारा सवाल है, आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं? इसके लिए आंसर आया है, आप भी उनके ऊपर नज़र रखते हो और आपके दुश्मन भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो यहाँ डेफिनेटली है। और मैंने स्टार्टिंग में जो कहा, कहीं हद तक उनकी चालें लगातार आपके जीवन में बनी हुई है और आपकी भी उनके जीवन में किसी भी तरह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके ऊपर ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं उनका भी अच्छा नहीं होना चाहिए, ये आपके दिलो दिमाग में होता रहे। आप यहाँ चाल खेलते हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपके जीवन में इंटरफेरेंस बार बार करते हैं, वो शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप इस जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है जो अब मायने नहीं रखती है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके दुश्मन आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि हम आपके जीवन में इंटरफेरेंस करके ही रहेंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे, इस तरीके से वो याद दिलाते हैं। इस वजह से ही आप बहुत ज़्यादा अब ध्यान देने लगे हो। यहाँ वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपकी बात की जाए तो आपके जीवन में बहुत सारे आपके दुश्मन चाल खेल रहे हैं, लेकिन आप जो यहाँ माउंटेंस की तरह अड़क खड़े हुए हो, उनका सामना कर रहे हो, उनको जवाब दे रहे हो और अच्छी तरीके से जवाब देना आपको आ रहा है। यहाँ नाइट की और गाइडियन एजेंट की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स, आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता है, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, जिसकी वजह से आपके दुश्मन आपके जीवन में चाल खेलते ज़रूर है, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही कम रहता है, ये बात सच है। लेकिन इतना ज़रूर है, ये जो स्नेक की एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि किसी भी इंसान को किसी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और आप कमज़ोर नहीं ही समझ रहे हो। आपका ध्यान अभी भी उनके ऊपर फोकस है, ध्यान है कि कहीं वो आपकी ज़्यादा बाजी ख़राब ना करे, ये आपका पूरी तरीके से ध्यान होता ही होता है। अब यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो यहाँ साफ साफ ही नज़र आता है, लेकिन इतना भी ख्याल रखना है कि कोई भी इंसान आपको किसी भी तरह कुछ भी बताने की कोशिश करे तो उनकी बातों में तुरंत आ नहीं जाना है, चाहे वो एक अजनबी इंसान ही क्यों ना हो। आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है आपकी वो पुरानी है, आपके ही अपने लोगों से आप दूर हुए हो और ये जो लड़ाई है वो पुरानी है, जिसके चलते अभी भी दुश्मनी बनी हुई है, अभी भी एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं है, अच्छा सोचना नहीं है। आपको तो यहाँ आपके दुश्मनों को लेकर कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आप उनके लेकर सोचना भी नहीं चाहते हो, आप अपने जीवन में अपने तरीके से ही आगे बढ़ने में विश्वास करते हो, और आपको बहुत अच्छे तरीके से विश्वास है कि जब मैंने किसी के लिए कुछ बुरा किया ही नहीं है तो कोई मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जिसके चलते आप यहाँ डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। और ये पुरानी ही एक लड़ाई है, नोकझोंक है, जिसके चलते अब आप सोचना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके दुश्मन अभी भी वो पकड़ कर बैठे हुए हैं, वो यहाँ नज़र आता है। तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में दखलअंदाजी करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कोशिशों में नाकामयाब भी रहते हैं। जो मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने तरीके से एक नाइट के एनर्जी में हो, जिसके चलते आपने शील्ड भी बनाया हुआ है, ध्यान भी दे रहे हो, फोकस भी हो, अवेयरनेस में रहते हो, और आपके भगवान भी आपके साथ हमेशा लगातार बने रहते हैं, क्योंकि आपने कभी भी किसी का बुरा सोचने की कोशिश भी नहीं की है, तो बुरा करने की बात तो बहुत ही दूर है, जिसकी वजह से भगवान का सपोर्ट भी आपके ऊपर है। यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहूँगी, शॉर्ट की एनर्जी आई है तो ऐसे तो नहीं आई होगी, आपकी परिस्थितियाँ जो हो एक बढ़िया अच्छी होनी चाहिए, वो अभी कहीं हद तक बहुत अच्छी नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। बहुत सारे लोगों के साथ एक आपके रिश्ते ज़रूर स्ट्रांग ज़रूर है, लेकिन
इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, ये आप जानते हो। कहीं भी छोटी सी भी गलती हो गई तो एक मेरे विरुद्ध होने के आसानी से वो विरुद्ध हो जाएंगे और किसी की भी बात में आ जाएंगे, ये बात भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ आपकी पारिवारिक परिस्थिति की बात की जाए तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी उलझनें होती रहती है। पैसों की बात की जाए, जो मैंने कहा आगे ही कि सिर्फ एक नॉर्मल ही 70% की और 50% की ही एनर्जी है, तो वही है कि पैसों में भी एक उतार चढ़ाव बने रहते हैं। पैसे लगातार बनते हैं, पैसे आते हैं, ऐसा भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ है कि पुरानी चीज़ें अभी भी थोड़ी दगद रही है, लेकिन ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ये भी मैं बता दूँ। वक्त के साथ आपके दुश्मन भी अब समझ गए हैं कि आप तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो उनके लिए कुछ ख़राब कर ही नहीं हो, तो धीरे धीरे आपके दुश्मन आपसे दूर भी हो रहे हैं। अब वो ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने आपकी परिस्थितियाँ देख ली है। आपकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ऐसा तो कार्ड के थ्रू तो नज़र नहीं आता है। तो ये ठीक ठाक है आपकी परिस्थितियाँ, जिसके चलते आपके दुश्मन भी अब आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बदला लेना था एक पुरानी दुश्मनाहट या पुरानी लड़ाई झगड़े की वजह से, वो उन्होंने ले लिया है, ऐसा उनका मानना है। तो धीरे धीरे आपके दुश्मन आपके जीवन से जा भी रहे हैं, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी। अभी वो आपके जीवन में थोड़े बहुत जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बार बार नई नई चालें खेल रहे हैं, उसमें भी अब उनको मज़ा नहीं आ रहा है, वो भी यहाँ है। उनको पता चल गया है कि अब इसके जीवन को ख़राब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसके जीवन में ऑलमोस्ट अभी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो और वो हमारे लिए भी कुछ बुरा कर ही नहीं रहा है, तो फिर हमें भी साइड हो जाना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है। अब यहाँ आपने ग्रे स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखते हैं और आप भी उनके ऊपर नज़र रखते हो, लेकिन आपके दिल में अब जो पुरानी जो एक लड़ाई थी उसको लेकर एक बहुत अच्छे तरीके के भाव आप रखना भी नहीं चाहते हो, सोचना भी नहीं चाहते हो। जो हो चुका वो हो चुका, भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, लेट्स गो, आगे बढ़ो। तो यहाँ यही है कि आप अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपके दुश्मनों ने भी ये बात देखी है, इसकी वजह से अब वो भी आपके जीवन में इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करना चाहते। हाँ, अभी आप वो आपके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा उनको नज़र रखने में, आपके ऊपर ध्यान देने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, वो यहाँ है। डेफिनेटली स्नेक की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को सामने ला रही है, वो यहाँ डेफिनेटली है। यहाँ ग्रेट की एनर्जी है, धुंधला सा बहुत कुछ है हाल फिलहाल के वातावरण में, वो धीरे धीरे क्लीन हो रहा है, क्लीन आउट हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है वक्त के साथ, और ये ज़रूरी भी है। आपके दुश्मन भी अब ज़्यादा आपका नाम नहीं लेना चाहते, वो भी अब समझ गए हैं। तो ये जिस किसी की भी पायल है, अब आपके दुश्मन धीरे धीरे आपके जीवन से हट रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये जिस किसी की भी रीडिंग है, उनका जो एक दुश्मनी जो है वो पुरानी बाबतों को लेकर है, पुराने मामले को लेकर है। यानी पुराने का मतलब होता है कि इसी जीवन में उनके साथ आपका कहीं हद तक लड़ाई झगड़ा हुआ था, या नोकझोंक हुई थी, या मनमुटाव हुआ था, या कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों की अब नहीं बनती है। तो अब बहुत वक्त बीत चुका है, तो अब वो भी अब दूर हो जाना चाहते हैं, वो है यहाँ। यह है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।